मैं हूं आपके साथ आशु और आप मेरे साथ अब ये शो सुनेंगे। एक्चुअली आरजे तारिक कुछ कारणों से आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मैं यानी आशु आपके साथ आ गया हूं। मुझे आशा है कि आप भी मुझे ढेर सारा प्यार देंगे। तो आइए सुनते हैं इस शो के आगे की कहानी। सिद्धार्थ, ये बात तुम भी जानते हो कि तुमने भी अंकल आंटी के गायब होने की कंप्लेंट लिखवाई थी, लेकिन क्या हुआ? यह जगह सचमुच इतनी ज्यादा खतरनाक है कि गवर्नमेंट ऑफिसर भी यहाँ पर आने से कतराते हैं। ऐसा कौन सा ऑफिसर होगा जो ऐसी जगह जाना चाहेगा जहाँ से वापस लौटना पॉसिबल नहीं हो? गौरी ने सिद्धार्थ से कहा। ओह, तो क्या इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने कभी कोई ऐसी टीम भेजी नहीं जो इस जगह की डिटेल इन्वेस्टिगेशन करे? सिद्धार्थ ने पूछा। हाँ, एक से ज्यादा बार इस तरह की कोशिश की गई, लेकिन जिस भी ऑफिसर ने वीरानगढ़ में कदम रखा या तो वो पागल हो गया या दोबारा जिंदा वापस नहीं लौट पाया, गौरी ने जवाब में कहा। गौरी की बात सुनकर सिद्धार्थ को ये बात याद आई कि पुलिस सुपरिंटेंडेंट से की गई कंप्लेंट का भी कोई रिस्पांस नहीं मिला था। सचमुच में बहुत ज्यादा शॉकिंग था कि 21st सेंचुरी में ऐसा कैसे हो सकता था। जब सिद्धार्थ और गौरी बात ही कर रहे थे, उसी बीच मिस्टर बजाज सिद्धार्थ के कमरे में आए। बच्चों, मुझे लगता है तुम दोनों को भी सो जाना चाहिए, रात बहुत हो चुकी है, बातें तो हमेशा होती रहेंगी, मिस्टर बजाज ने सिद्धार्थ और गौरी से कहा। मिस्टर बजाज के कहने के बाद गौरी अपने कमरे में चली गई। सिद्धार्थ अभी भी सोच में डूबा हुआ था और फिर एक किताब पढ़ते हुए वो भी सो गया। मिस्टर बजाज की बेचैनी अभी शांत नहीं हुई थी। वो जानते थे कि सर्किट हाउस में जो कुछ हो रहा था उसका कहीं ना कहीं लेना देना गौरी से जरूर था। रात काफी हो चुकी थी और लगभग 1 बज चुके थे। अचानक से खिड़की दरवाजों के जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। सिद्धार्थ, गौरी और दयाल तीनों ही गहरी नींद में सोए हुए थे, लेकिन मिस्टर बजाज आवाज आते ही जग गए। वे जानते थे कि बाहर खतरा हो सकता है, इसीलिए उन्होंने मन बनाया कि चाहे जो हो बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी वे एक बार अपने आप को गौरी के कमरे में झांक कर देखने से नहीं रोक पाए। गौरी को देखने के बाद उन्हें इस बात की तसल्ली मिल गई थी कि गौरी सेफ थी और सो रही थी। एक बात जो मिस्टर बजाज समझ गए थे वो ये थी कि उन्हें किसी भी कीमत पर रात में बाहर नहीं निकलना था। मिस्टर बजाज को बिल्ली की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर बाद वो बिल्ली अचानक रोने लगी। मिस्टर बजाज को इस बात को मानने में जरा भी शर्म नहीं आ रही थी कि वे उस बिल्ली की आवाज से अंदर तक डर चुके थे। उन्होंने सोचा कि बेहतर होगा कि वो बरामदे में खड़े होकर ही देखेंगे कि वो आवाज कहां से आ रही है। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। ऊपर की तरफ से थोड़ी देर बाद किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। मिस्टर बजाज के हाथ पैर कांपने लगे। गार्डन में लगे एक पुराने बड़े पीपल के पेड़ के पत्तों में सरसराहट होने लगी। पीपल के पत्ते जैसे जैसे डोल रहे थे, वैसे वैसे मिस्टर बजाज का दिल भी बहुत तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन अचानक उनके हाथ पैर में जैसे ताकत ही नहीं बची थी, वो वहीं जम गए। मिस्टर बजाज ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उनके चिल्लाने पर भी आवाज नहीं निकल रही थी। बजाज पसीने से तर बतर होने लगे। तो क्या वही चुड़ैल थी जिसका सामना सिद्धार्थ और बाकी लोगों ने आज किया था? बस थोड़ी देर ये सब होने के बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। मिस्टर बजाज ने चैन की सांस ली और वो चुपचाप अपने कमरे में चले गए। उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और बिस्तर में जाकर वे सोचने लगे कि या तो गौरी या सिद्धार्थ, यही दो लोग उसका निशाना हो सकते हैं। यह बात तो मिस्टर बजाज को भी पता थी, इस तरह की ताकतें किसे ज्यादातर अपना निशाना बनाया करती है। सुबह होते ही मिस्टर बजाज सिद्धार्थ के कमरे में पहुंचे और उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, तुम्हारी जान को सचमुच बहुत खतरा है, वो चुड़ैल तुम्हारा पीछा करते हुए सर्किट हाउस तक भी पहुंच गई थी। मैं जानता था कि ऐसा तो होना ही है, लेकिन मैं अब इस सब के लिए तैयार हूँ, सिद्धार्थ ने कहा। बाबा और प्रीतम सिंह के आने के पहले सिद्धार्थ ने एक बार फिर सारे जरूरी सामानों को इकट्ठा कर लिया था। सुबह के लगभग 9 बज रहे थे। बाबा और प्रीतम सिंह दोनों सर्किट हाउस को पहुंच चुके थे। गौरी, चलो, बाबा और प्रीतम भी आ चुके हैं,
आज चाहे जो हो, हमें उस लाश को ढूंढना ही होगा, सिद्धार्थ ने कहा। एक बार फिर वे सारे लोग उसी शमशान में उस दबी हुई लाश के पास पहुंचे। बारिश की वजह से वहां धूल कम थी और चीजें पहले से कुछ साफ दिख रही थी। उन्होंने देखा कि जिस लाश को उन लोगों ने खोदा था, वहां सिर्फ एक टूटा हुआ हड्डियों का ढांचा था और वहां ऐसा कोई भी खंजर नहीं था जिसकी उन्हें तलाश थी। सिद्धार्थ ने दोबारा एक नींबू में हल्दी कुमकुम लगाकर उसे सिर से काटकर उस हड्डी के ढांचे पर रख दिया और दोबारा से मिट्टी से उस लाश को ढक दिया। वहीं थोड़ी दूर पर एक ऐसी कब्र दिखाई दे रही थी जो कि बाकी सारी कब्रों से अलग थलग बनी हुई थी और उसके आसपास बबूल की घनी झाड़ियां उगी हुई थी। अभी भी उन लोगों को यह सब करते हुए ज्यादा वक्त नहीं बीता था। उन्होंने फटाफट उस कब्र के आसपास की झाड़ियों को काटना शुरू कर दिया। नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई इस जगह में हद से ज्यादा सन्नाटा था। इन चारों की वहां पर मौजूदगी की वजह से वहां पर चहल पहल हो गई थी। बुरी शक्तियों को ऐसी चहल पहल बिल्कुल पसंद नहीं होती है। तो क्या वो चुड़ैल जो कल उन लोगों के सामने आई थी वही दोबारा से वहां आने वाली थी? अभी ठीक तरह से उस कब्र के आसपास की झाड़ियां साफ भी नहीं हुई थी कि अचानक वहां पर बहुत से कौवे मंडराने लगे। धीरे धीरे उन कौवों की तादाद बढ़ती जा रही थी। उन कौवों की आवाजों से ऐसा लग रहा था जैसे वो नहीं चाहते कि ये चारों लोग उन लाश को खोदे। हमें उनके तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हमें यहाँ पहले 3 घंटे बीत चुके हैं, सिद्धार्थ ने कहा। उन लोगों को कौवों ने किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उनके दिखाई देने से वहां का मनहूसियत भरा माहौल और भी ज्यादा मनहूस लगने लगा था। उन लोगों ने झाड़ियों को साफ करने का काम अब लगभग पूरा कर लिया था। उन्होंने उस लाश की खुदाई शुरू की। न जाने कहां से बहुत सी मधुमक्खियां उनकी तरफ आने लगी। उनकी भिनभिनाहट ने उस शमशान की खामोशी को तोड़ दिया, लेकिन उन मधुमक्खियों का इरादा वहां से बिना किसी को नुकसान पहुंचाए गुजरने का बिल्कुल नहीं था। नीचे नीचे बैठ जाओ, ऐसा करने से वो मधुमक्खियां ऊपर ही ऊपर उड़कर चली जाएगी, सिद्धार्थ ने कहा। लेकिन नीचे बैठने से कुछ नहीं हुआ और उन मधुमक्खियों ने उन्हें काटना शुरू कर दिया। सभी को बुरी तरह से दर्द हो रहा था। मधुमक्खियों ने उन्हें बुरी तरह काटा था। उनके हाथ मुंह सूजने लगे थे। सिद्धार्थ, ये देखो मेरा हाथ कैसे सूज गया और मेरे गाल पर देखो, गौरी ने दर्द से कहराते हुए कहा। उस कब्र की अब तक आधी खुदाई हो चुकी थी और शाम के लगभग 4 बजने को थे। जैसे जैसे वे जमीन को खोदने के लिए कुदाल चला रहे थे, वैसे वैसे छन छन की आवाजें सुनाई देने लगी। जब उन्होंने उस कब्र को पूरी तरह खोद लिया तो वहां वैसा कोई खंजर मौजूद नहीं था जिसे वे लोग खोज रहे थे। वो एक ऐसे शख्स की कब्र थी जिसे मुक्ति मिल चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद उन्हें वहां पर घाघरा चोली पहने हुई एक राजस्थानी लड़की आते हुए दिखाई दी। उसके चलने से उसकी पायल की आवाज गूंजने लगी। उस लड़की को पास आते देख वे सभी लोग हैरान हो गए। ऐसे वीरान गढ़ के एक शमशान में एक अकेली लड़की कैसे आ सकती थी? लेकिन वो कोई आम लड़की नहीं थी। दरअसल वो प्रीतम की बहन काजल की आत्मा थी जो उन लोगों की मदद करने के लिए वहां पर आई थी। लेकिन इससे पहले कि वो उन लोगों के पास आती, वहां जोर से आंधियां चलने लगी। अब उनमें से कोई भी उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था। तुम्हें जिस लाश की तलाश है वो उसी मनहूस हवेली में है। हवेली के सामने बने गार्डन में बरगद के पेड़ के नीचे जो टीला है वो लाश वहीं पर दफन है, तेज हवा के बीच उस आत्मा ने उन लोगों से भारी आवाज में कहा। प्रीतम को वो आवाज जानी पहचानी लगी। उसने कहा, काजल, तुम मेरी बहन काजल की आत्मा हो ना? प्रीतम के ऐसा कहने से सभी लोग हैरान हो गए। अब तक प्रीतम जो बहुत डरपोक था वो पहली बार किसी आत्मा से बात कर रहा था। लेकिन प्रीतम की बहन की आत्मा यहाँ क्या करने आई थी? क्या वो अपने भाई की मदद करना चाहती थी? अचानक वहां चलने वाली आंधी रुक गई और प्रीतम को उसकी बहन काजल उसके सामने खड़ी हुई दिखाई दी। बाकी लोगों ने भी देखा कि किस तरह से एक बहन की भटकती हुई आत्मा अपने भाई से मिलने चली आई थी। भैया, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली।
जैसा कि आप जानते हो कि उस बेर के पेड़ के नीचे मुझे दफनाया गया था। आपको मेरी लाश को निकालकर अभी के अभी जैसे भी हो मेरी लाश को चिता पर अग्नि देनी होगी, फिर अस्थियों को इसी सूखी नदी में बहाना होगा, काजल की आत्मा ने अपने भाई प्रीतम से कहा। इससे पहले कि रात हो जाए आप लोगों को मेरा अंतिम संस्कार करके उस हवेली में पहुंचना होगा। लेकिन तुमने अपनी जान क्यों ली थी, तुम्हें तुम्हें क्या हुआ था, प्रीतम ने पूछा। हवेली की एक बुरी आत्मा ने मुझे अपने वश में कर लिया था। यहाँ वीरानगढ़ में बुरी से बुरी और बहुत ताकतवर आत्माएं हैं। यहाँ ढूंढे से भी आपको बड़े मुश्किल से ही कोई अच्छी आत्मा मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी मेरा अंतिम संस्कार कर दो और हवेली में जैसे ही वो खंजर वाली लाश मिले उसका भी आप अंतिम संस्कार कर दो। कुछ गलत लोगों ने उसे मारकर वहां दफना दिया था। उसे मारने के बाद उन लोगों ने उसे जिस खंजर से मारा था वो भी उसके साथ ही दफना दिया। मैं जाने कितने सालों से आपके आने का रास्ता देख रही थी। भैया बिल्कुल देर ना करो, मैंने जैसा कहा वैसा ही करो। उस लड़की की आत्मा अब एक चुड़ैल बन चुकी है, काजल की आत्मा ने प्रीतम से कहा। जैसा तुम कह रही हो हम वैसा ही करेंगे, लेकिन क्या तुम हमें कुछ और बता सकती हो? क्या तुम बता सकती हो कि सिद्धार्थ के माता पिता जिंदा भी हैं या नहीं, और हम उन्हें कैसे ढूंढ सकते हैं, प्रीतम ने अपनी बहन काजल की आत्मा से कहा। मैं आपकी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन सिर्फ मैं इतना बता सकती हूँ कि सिद्धार्थ के माता पिता भी जिंदा हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब है। सिद्धार्थ उन्हें तभी ढूंढ पाएगा जब वो एक एक करके उस हवेली की पहेलियों को सुलझा लेगा। उस हवेली पर बहुत सी बुरी आत्माओं का साया है और वो मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, काजल की आत्मा ने कहा। प्रीतम जल्दी करो, जितनी भी लकड़ियां और सूखी झाड़ियां में इधर उधर दिखाई दे रही है उन्हें हमें जल्दी से जल्दी इकट्ठा करना पड़ेगा। इस बात के लिए तो मैं सचमुच तुम्हारी बहन की आत्मा का शुक्रगुजार हूँ। मेरे लिए यह जानना बहुत बड़ी बात है कि मेरे माता पिता जिंदा हैं। अब तो चाहे जो भी हो जाए मैं उनका पता लगा कर ही रहूंगा, सिद्धार्थ ने कहा। वे लोग इधर उधर से लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। जल्दी ही एक चिता सजा ली गई, लेकिन अब भी प्रीतम की बहन की लाश को बाहर निकाला जाना बाकी था। प्रीतम और सिद्धार्थ दोनों जल्दी ही काजल की उस लाश को बाहर निकालने के लिए खुदाई करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें काजल की हड्डियों का ढांचा मिल गया। चिता पर ले जाकर वह हड्डियों का ढांचा रख दिया गया और सिद्धार्थ के पास जो केरोसिन ऑयल था वो झाड़ियों और लकड़ियों के ऊपर डाल दिया गया। मशाल में आग जलाई गई और बिना देर किए प्रीतम ने अपनी बहन की चिता को आग लगा दी। क्योंकि कुछ दिन पहले हुई बारिश की वजह से लकड़ियां थोड़ी गीली थी, इसलिए केरोसिन डालने के बावजूद भी आग जलने में थोड़ा वक्त लग गया। लगभग आधे घंटे के अंदर ही हड्डियों का ढांचा राख में तब्दील हो गया। तो क्या प्रीतम की बहन को सच में मुक्ति मिल पाएगी? क्या हवेली में उन्हें वो खंजर वाली लाश मिल पाएगी? क्या सचमुच सिद्धार्थ के पेरेंट्स जिंदा हैं? क्या होगा जब पहेली के पूरा होने पर नया दरवाजा खुलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए।